आइए जानते हैं कि काकाशी और गोजो में आखिर कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो काकाशी क्लोज रेंज में एक बीस्ट है, क्योंकि माइट गाय के साथ प्रैक्टिस करने के कारण इसकी थाइजुत्सु एबिलिटी एकदम टॉप नॉच हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल स्ट्रेंथ की, तो काकाशी गोजो से बहुत ही ज्यादा पीछे है, क्योंकि गोजो का होलो पर्पल इतनी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है कि काकाशी के पास उस जैसा कुछ है ही नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें स्पीड की, तो वहां भी गोजो टेक्स द पॉइंट, बिकॉज़ दिस गाय कैन लिटरली टेलीपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन जस्ट मियर सेकंड्स, बेसिकली फ्लाइंग राइजिंग जुत्सु विदाउट द मार्किंग्स। और काकाशी कितना ही फास्ट हो जाए, वो फ्लाइंग राइजिंग जितना फास्ट तो नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो काकाशी के पास एक सुसानो है, और नारुतो वर्स में ऐसा माना जाता है कि सुसानो एक अल्टीमेट डिफेंस है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है। लेकिन ये भी हमने काफी बार देखा है कि इफ द अटैक इज स्ट्रॉन्ग इनफ देन द सुसानो कैन ऑल्सो ब्रेक। वहीं दूसरी तरफ गोजो का डिफेंस कुछ ऐसा है कि उसको कोई टच ही नहीं कर सकता, क्योंकि गोजो के पास लिमिटलेस नाम की एक ऐसी टेक्निक है जो कि उसके और ओपोनेंट के बीच इन्फिनिट डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। और इससे बेटर क्या है ड्यूरेबिलिटी हो सकती है कि ओपोनेंट का एक भी अटैक आपको लगे ही ना। अब अगर हम आईक्यू की बात करें, तो दोनों ही कैरेक्टर्स इक्वली स्मार्ट है, लेकिन फिर भी मैं काकाशी को एक अपर हैंड देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक बेटर टैक्टिशियन है, और इस बात का प्रूफ हमें नारुतो सीरीज में ऑलरेडी कई बार मिल चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें रेंज की, तो गोजो का रेंज काकाशी से काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि काकाशी सुसानो का इस्तेमाल करते हुए भी ज्यादा दूर तक अटैक नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ गोजो का होलो पर्पल कई किलोमीटर दूर तक भी एकदम प्रिसाइसली वर्क कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें एबिलिटीज की, तो वहां का सीन थोड़ा अलग है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काकाशी हताके 1000 से ज्यादा जुत्सुज यूज कर सकता है, और ये तो क्लियर है कि गोजो 1000 से ज्यादा एबिलिटीज को तो पोजेस नहीं करता, लेकिन गोजो की जितनी भी एबिलिटीज हैं, वो काकाशी की सारी एबिलिटीज से पावर लेवल में काफी ज्यादा ऊपर है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एबिलिटीज में काकाशी जीत रहा है, लेकिन पावर ऑफ एबिलिटीज में गोजो। और फाइनली हम पहुंचते हैं दोनों कैरेक्टर्स के हाईलाइट के ऊपर, आईज। अब काकाशी के पास है दो मांगे के शारिंगन, जिनका यूज करके वो कई सारे स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज जैसे कि सुसानो और कामुई को एक्सेस कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ गोजो के पास जेजे के यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजुअल प्रोवेस है, द सिक्स आईज, और इसका यूज करके गोजो क्या नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, टेलीपोर्टेशन, लिमिटलेस हीलिंग, ब्लैक फ्लैश, इन्फिनिट वॉइड, कर्स एम्पलीफिकेशन और रिवर्सल, ब्लू और रेड, और होलो पर्पल जैसे खतरनाक कर्स टेक्निक्स को भी गोजो इजिली यूज कर सकता है। और इन्हीं सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि गोजो और काकाशी के बीच में कोई खास बैटल है ही नहीं, क्योंकि गोजो इजिली जीत रहा है। अब अगर तुम्हें ये जानने में इंटरेस्ट है कि जोरो और योरिची में कौन बेटर स्वॉर्ड्समैन है, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन, बी ए शार्क बॉयज, बी ए शार्क।